प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्वेस्टर मीट में दिए संबोधन में प्रदेश को मात्र झुनझुना थमाकर चले गए, जिससे प्रदेश की जनता खुद को ठगा महसूस कर रही है और निराशा हुई है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि करोड़ों रुपए की फिजूल खर्च करके प्रदेश को और कर्ज में डुबोया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश पार्टी पहले ही ये शंका जाहिर कर रही थी कि इन्वेस्टर मीट के नाम पर घालमेल हो रहा है, जबकि हकीकत में इसमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। दीपक शर्मा ने कहा कि बेहतर होता प्रधानमंत्री हिमाचल के लिए औद्योगिक क्षेत्र में विशेष रियायतें देते, जिससे निवेशक यहां आने के लिए आगे आते, लेकिन मोदी के भाषण की चाशनी से मात्र सपने बेचकर चले गए और प्रदेश के साथ छलावा किया। उन्होंने कहा कि इससे पहले के दौरों में भी मोदी कांगड़ा के मदरे आदि की बात करते जनता को छलकर गए थे और इस बार भी यही हुआ। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को मोदी के हिमाचल आगमन से सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी भाजपा सरकार के इस छलावे पर जनता को जागरूक करेगी और पर्दाफाश करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश के साथ साथ इन्वेस्टर से भी धोखा कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के हिमाचल आगमन पर जो उनका संबोधन इन्वेस्टर मीट में हुआ, उससे हिमाचल प्रदेश को हताशा और निराशा हुई है। ये प्रदेश के साथ धोखा है। हम पहले से ही इस बात को कहते आ रहे हैं कि ये इन्वेस्टर मीट के नाम पर करोड़ों रुपए की फिजूल खर्ची का काम जो है वो हिमाचल सरकार कर रही है। किसी तरह का कोई योजनाबद्ध तरीके से ऐसा काम नहीं किया गया जिसके तहत जो है वो इन्वेस्टर्स को बुलाया जाए। हम पहले से ही इस इन्वेस्टर मीट को जो है उसके ऊपर शंका जाहिर कर रहे थे। आज हमारी शंका का जो है वो निराकरण हुआ है और ये बात साफ नजर आई है कि प्रधानमंत्री के भाषण में हिमाचल प्रदेश को किसी तरह का कोई औद्योगिक पैकेज या कोई विशेष सुविधा जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए किसी तरह की नहीं दी गई। और ये इन्वेस्टर मीट जिस तरह हम पहले से कहते आ रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के जो लोगों की खून पसीने की कमाई है उसको फजूल खर्च करके उड़ाया जा रहा है, निस्संदेह आज ये बात सच साबित हुई है। हिमाचल प्रदेश प्रधानमंत्री की आज की यात्रा से निराश हुआ है। पीआरटीवी के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।